प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि जन्म कुंडली में किस तरह की ग्रह स्थिति लव मैरिज करवाती है और किस तरह की स्थिति अरेंज मैरिज करवाती है। प्रायः ये देखने को मिलता है कि लड़का हो या लड़की हो, अगर वो अविवाहित है तो उनके मन में, उनके माता पिता के मन में यही जिज्ञासा रहती है, यही प्रश्न रहता है कि उनका विवाह किस तरह से होने वाला है। विवाह उनके मन मर्जी से होगा या फिर घर वाले जहां पर करेंगे वहां पर होगा। और ये बात जानने के लिए आपको किसी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस करना क्या है कि आपको अपनी जो जन्म कुंडली है उसे सामने खोल करके बैठ जाना है। मैं आपको एक एक करके वो सूत्र और कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो आपकी कुंडली में अगर मिल जाते हैं तो आप जान जाएंगे कि आपकी लव मैरिज होने वाली है। आगे फिर मैं इस पर अरेंज मैरिज पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको उसकी जानकारी दूंगा। लेकिन आज कुछ विभिन्न प्रकार से अलग अलग ग्रह योग किस तरह से लव मैरिज करवाते हैं उससे जुड़ी जानकारी दूंगा। विवाह सेम कास्ट में होगा या फिर विवाह अदर कास्ट में होगा, इन सभी की जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूं। तो इसीलिए आप वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें, अंत तक देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य से कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारी भविष्य में भी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अब आइए बिना विलंब किए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आपको अपनी जन्म कुंडली सामने रखना है। मैंने यहां उदाहरण के लिए, आप साइड में देख पा रहे हैं, एक कन्या लग्न की कुंडली ले ली है। कन्या लग्न लिया है, आपकी कुंडली किसी भी लग्न और किसी भी राशि की हो सकती है, यहां पर उससे किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ क्या देखना है, सबसे पहले बात अगर विवाह की होती है तो आप सभी जानते हैं विवाह का जो सबसे प्रमुख भाव है, जहां से विवाह को देखते हैं, वो भाव होता है सप्तम भाव। लग्न के ठीक सामने इस कुंडली के अनुसार जहां पर 12 का अंक लिखा आप देख पा रहे हैं, उस भाव को सप्तम भाव कहा जाता है और सप्तम भाव से ही विवाह की स्थिति को देखा जाता है। इसके बाद अगर बात लव मैरिज की हो, प्रेम विवाह की हो, तो कुंडली के अंदर जो कुंडली का पंचम भाव होता है वो प्रेम को प्रदर्शित करता है। तो आप देखिए यहां पर इस कुंडली के अंदर जहां पर 10 का अंक लिखा है उसे पंचम भाव कहते हैं। आपको भी इन दो भाव को देखना है। ध्यान रहे मैं भाव की चर्चा कर रहा हूं, कौन सी राशि कहां लिखी है उससे कोई मतलब नहीं है। आप केवल पंचम भाव को देखें जहां पर 10 का अंक है, आपकी कुंडली में वहां पर कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ उस भाव को देखना है और इसी प्रकार सप्तम भाव को भी देखना है। अब अगर किसी व्यक्ति का लव मैरिज होंगी, प्रेम विवाह अगर होता है, तो ये बात तय है कि उसके इन दोनों भाव में कनेक्शन मिलना चाहिए। या तो जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो सप्तम भाव में होना चाहिए, या फिर दोनों साथ में होना चाहिए, क्या सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव में होना चाहिए। तो आप इन तीनों में से कोई भी योग मिलाइए। जैसे इस कुंडली पर आ जाइए, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। कन्या लग्न की कुंडली है तो पंचम भाव के स्वामी कौन बने, यहां पर बने पंचम भाव के स्वामी शनि। अब ये जो शनि है ये कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए, जहां पर 12 का अंक लिखा है वहां पर बैठ जाए। और जो सप्तम भाव के स्वामी है गुरु बनते हैं, वो गुरु अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो यहां पर पंचमेश और सप्तमेश का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो इस राशि परिवर्तन योग से क्या होगा कि यहां पर प्रेम विवाह के जो योग है वो प्रबल हो जाएंगे। ये पहला योग हुआ। दूसरे नंबर पर यहां पर परिवर्तन तो आपने देख लिया, अब ये भी हो सकता है कि दोनों भाव के जो स्वामी हैं वो दोनों में से किसी एक भाव में बैठ जाए। जैसे यहां पर जो पंचम भाव के स्वामी है शनि वो भी सप्तम भाव में बैठे हो और सप्तम भाव के स्वामी जो गुरु है वो भी सप्तम भाव में बैठ जाए। आप देखिए स्थिति आप यहां कुंडली में देख पा रहे हैं, यानी पंचमेश और सप्तमेश एक साथ बैठे हो, ये स्थिति भी आप देख सकते हैं। वैसे पंचमेश और सप्तमेश की युति
कुंडली के किसी भी शुभ भाव में हो तो ऐसी अवस्था में भी प्रेम विवाह हो जाता है, यानी ये दोनों ग्रह एक साथ कुंडली के किसी भाव में भी हो, तीसरे भाव में ना हो, छठे या फिर आठवें या बारहवें भाव में ना हो, तो यह मजबूत स्थिति बन जाती है कि ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह करेगा और उसमें प्रेम विवाह में सफलता भी मिलेगी। तो ये स्थिति आप उसमें मिला करके देखिए। तो ये दो स्थिति आपने मिला ली। अब यहां पर एक और बात आती है प्रमुख रूप से, जैसे दोनों का दृष्टि संबंध भी हो सकता है। अब दृष्टि संबंध को समझने के लिए आपको ग्रहों की दृष्टि भी पता होनी चाहिए। मैं ज्यादा विस्तृत रूप में नहीं जाऊंगा, आप केवल इसमें इतना ही समझ लीजिए कि दोनों का संबंध किसी भी प्रकार से बनता हो, यहां पर सप्तमेश और पंचमेश किसी प्रकार से भी एक दूसरे से संबंध बनाते हो, वो दृष्टि के द्वारा हो, परिवर्तन के द्वारा हो या फिर युति के द्वारा हो, ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह के योग बनते हैं। अब यहां पर मैंने क्या कहा, योग बनते हैं। इसमें अन्य ग्रह का प्रभाव, वो प्रेम विवाह होगा या नहीं, और अगर प्रेम विवाह हो भी जाता है तो आगे अच्छा रहेगा या नहीं, वो स्थिति वो अन्य ग्रह बताते हैं। लेकिन अगर इस तरह के ग्रह योग है तो सामान्यतः देखने को मिलता है कि जातक या जातिका का जो रुझान होता है वो प्रेम विवाह की ओर अधिक होता है। अब सबसे प्रमुख जो बात है वो आपको ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेम विवाह के योग भले ही मिल जाए लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाए, चंद्रमा शनि के साथ हो, चंद्रमा मंगल के भी साथ हो, सूर्य राहु केतु इनके साथ भी अगर चंद्रमा बैठा है, तो अगर इन किसी भी के साथ में युति करके चंद्रमा बैठ जाए तो ये भी प्रबल स्थिति है कि आपको प्रेम विवाह या तो आपका हो नहीं पाएगा या फिर आपको कई एक बार जीवन में धोखे का सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? चंद्रमा आपके मन को प्रदर्शित करता है। अब चंद्रमा सूर्य के साथ हुआ तो अमावस्या दोष हो जाएगा, चंद्रमा मंगल के साथ होकर भी कोई शुभ प्रभाव नहीं देता है, विशेषकर प्रेम विवाह के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चंद्रमा जब मंगल के साथ हो तो उसमें उग्रता और गुस्सा बढ़ जाता है। तो ऐसे में जिसके साथ भी जुड़ते हैं कुछ समय तो साथ रहते हैं लेकिन वाद विवाद और झगड़े चला करते हैं, जिसके कारण प्रेम विवाह प्रायः नहीं होता देखा गया। साथ में चंद्रमा शनि के साथ हो या चंद्रमा राहु या केतु में से किसी के साथ हो तो इसे विष योग और ग्रहण योग के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या करेंगे, ये मन को कमजोर कर देंगे। अब ऐसी स्थिति में दूसरों पर जल्दी ही विश्वास कर लेंगे। जब चंद्रमा कमजोर है तो आप ये अवश्य से देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति लव अफेयर में जल्दी फंस जाता है या जल्दी ही दूसरों के साथ अटैच हो जाता है, लेकिन अंत परिणाम क्या निकलता है, अंत परिणाम वही निकलता है कि उसमें धोखा मिले या किसी न किसी प्रकार से प्रेम विवाह न हो पाए। तो ये स्थिति आपको अवश्य देखना है। अगर चंद्रमा किसी प्रकार से भी कमजोर आ जाए तो आपको सलाह यही है कि प्रेम विवाह से बचाव किया जाए, क्योंकि जहां पहले भी परेशानी आती है वहीं अगर विवाह किसी ग्रह स्थिति के अनुसार बन भी गया तो आगे भी परेशानी की स्थिति बनती है। तो इसलिए अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो प्रेम विवाह से बचाव करें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इसके बाद ये तो आपने चंद्रमा और पंचमेश और सप्तमेश की स्थिति से देखा, अब मैं आपको कुछ ऐसे योग बता रहा हूं जिनका बनना विभिन्न अलग अलग तरीके से विवाह के योग को बताता है। आप देखिए अपनी कुंडली में, आपकी कुंडली में किस तरह के योग आप देख पाते हैं, और इनमें से कोई योग है या आपने किसी की कुंडली में इनमें से कोई योग देखा है तो उसका क्या परिणाम निकला, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे आप किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।